एवरीवन, दिस इज शदाब। वेलकम टू माय चैनल एडवेंचर रांची। आज हम लोग जा रहे हैं खंडोली, जो कि मौजूद है ग्रीडी के पास, और ग्रीडी टाउन से इसकी जो दूरी है वो है तकरीबन 15 किलोमीटर। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि ये भी जगह बहुत ही खूबसूरत है, हमने इसका वीडियो भी देख रखा था पहले, तो ये जगह जाने का हमें बहुत दिनों से मन था, पर टाइम की कमी के कारण से हम इस जगह पे विज़िट नहीं कर पा रहे थे। जब भी आप ग्रीडी टाउन जाएं तो आप दो जगह पे ज़रूर विज़िट करें। पहला तो मैं कहूँगा आपको कि पारसनाथ हिल, लगभग बहुत सारे लोग उस जगह को जानते हैं, और जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस है प्लेस, वो जगह पर ज़रूर विज़िट करें। और दूसरा है खंडोली, जो कि वहाँ से बहुत दूरी पर नहीं है, तो दो जगह पर आप विज़िट आराम से कर सकते हैं, और वो दोनों जगह ही बहुत फेमस है। खंडोली, जैसा कि मैंने बताया आपको, वहाँ पे पार्क भी है, डैम भी है, तो दोनों का मज़ा आपको एक जगह पे मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी आ रही है, तो बहुत सारे लोगों की घूमने की चाहत जो होती है वो बिल्कुल पिक पे रहती है कि कुछ ऐसे जगह पे घूमें जो 1 जनवरी को लोग इंजॉय करते ही हैं, सभी को पता है ये चीज़। तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है कि कौन से प्लेस को सेलेक्ट किया जाए जहाँ पे हम 1 जनवरी को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो आई होप कि ये जगह जो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो जगह पे मैं आपको वीडियो पूरा दिखाऊंगा, ताकि आपको उसमें डिटेल्स समझ में आए कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो वहाँ आपको बोर फील ना हो, यानी कि सभी के लिए वो बेस्ट प्लेस होनी चाहिए, तभी आपका जो टूर होता है, आपका सफ़र होता है, वो बेहतरीन बनता है और वो यादगार के तौर पर हमेशा आपको याद रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि खंडोली हम लोग बस इन कर ही गए हैं, और यहाँ जाने के बाद मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ कि अंदर देखने में क्या क्या चीज़ हमें मिलेगा। तो जैसा कि ये एंट्रेंस है, यहाँ सभी हम अंदर जाएंगे, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एंट्रेंस के अंदर जाने के बाद हमें फ़र्स्ट क्या देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पहले प्रोग्राम बनाया था कि यहाँ पर हम जब भी जाएंगे तो बोटिंग ज़रूर करेंगे, तो फिलहाल अभी हम बोटिंग करने का प्लान करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, यहाँ बहुत सारे लोग बोटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अभी हमें टिकट लेना है, उसके बाद हम लोग भी वहाँ पे बोटिंग करेंगे। आप वीडियो पे बने रहें, पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको फुल डिटेल्स मिल सके। तो हमने यहाँ पे टिकट परचेज कर लिया है और हम जा रहे हैं बोट पे बैठने के लिए। और आज का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल हमारे साथ है, क्योंकि आज का क्लाइमेट जो है, ना ही बहुत ठंड है, ना ही धूप बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि परफेक्ट मौसम है ये बोटिंग के लिए।
लंबा राइड लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं किनारे की तरफ और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट तो करना बनता है। तो चलिए पहले कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए जो हम लोग पैकिंग करके लाए थे। तो यहाँ खाने के बाद फिर हम आपको आगे ले जाके दिखाने वाले हैं कि पार्क जो इसका एरिया है वो कैसा है। नीचे खाने के बाद आपको यकीन मानिए बहुत ही अच्छा फील होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों चीज़ देखने को मिल जाते हैं, यानी कि पार्क का भी आप मज़ा ले सकते हैं प्लस आपको समुद्र की जो खूबसूरती है वो भी देखने को मिल जाती है, यानी कि डैम की। और जैसा कि आप सामने भी देख पा रहे होंगे कि डैम कितनी दूर तक आपको दिख रहा है, पानी ही पानी, और पानी की जो कलर है वो भी बहुत अच्छी लग रही है देखने से। जैसा कि जिनकी पसंद होती है नेचुरल ब्यूटी पे जो ज़्यादा ध्यान देते हैं या जिनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे जगह पे घूमना, तो ये प्लेस उनके लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको नेचर से रिलेटेड सारे चीज़ देखने को मिल जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को बहुत ही सुकून पहुँचाते हैं, और यहाँ के जो पानी भी है वो भी बहुत क्रिस्टल क्लियर है, तो वो भी एक अच्छी बात है। यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, आज का जैसा मैंने बताया आपको कि क्लाइमेट भी आज बहुत अच्छा रहा, तो घूमने का मज़ा इसमें दुगना हो गया। मुझे पर्सनली कुदरत की बनाई चीज़ देखना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो इस तरह के ही बनाता हूँ जिसमें आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। क्योंकि आर्टिफिशियल देखे हुए तो ज़माने गुजर जाते हैं, लगभग लोग आर्टिफिशियल के दीवाने होते हैं, बट मेरी पसंद थोड़ी हट गया है, मुझे नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा पसंद लगती है। इसलिए मैं ऐसे जगह को सर्च करता हूँ, कुछ हिडन प्लेस भी होते हैं तो उससे मैं सर्च करता हूँ ताकि हम वहाँ पे पहुँच सकें, खुद भी वो चीज़ का इंजॉय कर सकें और आप लोगों को भी दिखा सकें ताकि आप भी जाना चाहें तो उस प्लेस पे इजीली पहुँच सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि नेचर से आपको मोहब्बत होनी भी चाहिए, कुदरत की बनाई हुई जो अनमोल गिफ्ट है उनमें से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें डैम वगैरह हो गया, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, ये नेचुरल ब्यूटी है जो कि आपको देखने से दिल को बहुत ठंडक पहुंचाती है। यहाँ पे एक दो ऑप्शन और देखा है हमने, जैसे कि हॉर्स राइडिंग आपने देखा होगा, सामने घोड़े आपको दिख रहे हैं तो इस पे बैठ के आप इसका सफ़र का लुत्फ भी उठा सकते हैं। और साथ में पार्क अगर हम इंटर करते हैं, ये है पार्क का एरिया और इसके अंदर बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं और कुछ यहाँ पे पेट्स एनिमल भी रखे हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रैबिट है, इससे पहले यहाँ पर पिकॉक भी हुआ करती थी बट अभी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे आपको और भी जानवर देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें।
होप आपको ये हमारी वीडियो से बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल गई होगी, कम से कम ये आइडिया तो ज़रूर लग गया होगा ये पार्क देखने में कैसा है, जाना चाहिए या नहीं, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ मौजूद है ये देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं ये पार्क कैसा है। फिर खंडोली जो आपने नाम सुन रखा है तो वो प्लेस कैसा है आपने ये वीडियो पे देख लिया, तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। मुझे पर्सनली तो ये बहुत अच्छा लगा, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर कुछ सजेशन है या आपको ये प्लेस कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को ध्यान दे सकें कि आपको और क्या चीज़ देखने में इंटरेस्ट है। आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर प्लेस के साथ, ताकि आपको कुछ ऐसे हिडन प्लेस को हम एक्सप्लोर करके दिखा सकें इसके बारे बहुत कम लोग जानते हैं और जो वाकई में उस काबिल हो जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे अपडेट रह सकें कि और क्या जगह घूमने लायक है।